कि आज जो है धरने का 95वें दिन है और 26 नवंबर से लगातार यहाँ बैठे हुए हैं। तो सब चीज़ों से परेशान निराश होकर के हम लोगों ने कहा कि अब आयोग को यहाँ बैठने से हमारे फर्क नहीं पड़ रहा है, हम लोग समाज सेवा कहीं ना कहीं एक सर्विस में जा करके गवर्नमेंट सेक्टर में जा करके अपना योगदान देना चाह रहे हैं, लेकिन इस तरीके की चीज़ों में लगातार हमको निराशा मिल रही है, रिजल्ट हमारा नहीं जा रही है। लेकर के आज हम लोग रक्तदान करने गए थे और ये कार्ड मैं बोलूँगा आप कमेंट करोगे, मैं बड़ी मुझे पहली बार मैंने जीवन में अपने रक्तदान किया, कैसा फील हुआ आप जब रक्तदान कर रहे हैं? देख सकते हो यहाँ पे अभी भी संख्या अगर हम गिने कम से कम 25 लोग बैठे हैं, इससे कम से कम 3 से 4 गुना लोग थे चले गए। कि मैंने कहा कि नहीं हुए ब्लड जब होने से आया तो मैं पूरा उसको पूरे यूनिट को कंप्लीट आप देख रहे हैं बंदे की बंदे का जो जज्बा है इसके जज्बे को सलाम करते हैं। आप लोग देखिए जो व्यक्ति कभी भी जिसने ब्लड नहीं लगवाया है और उसका। हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी त्रिपुरा जेई 2018 का अभी तक रिजल्ट नहीं जारी हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। यूपी त्रिपुरा जेई 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था 16 अप्रैल 2022 को ही हुआ था, अभी तक इसका आंसर किया आया है, रिवाइज आंसर किया है, अभी तक इसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। और इसके लिए कल सोमवार को लखनऊ पिकअप भवन आयोग पर धरना प्रदर्शन होने वाला है। इसमें जितने भी लखनऊ के आसपास रहने वाले अभ्यर्थी हैं जो जेई 2018 के अभ्यर्थी हैं जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है यहाँ आयोग पर पहुँचें, वो भी टाइम से पहुँचें 8 बजे से, और ताकि आप लोग का जो रिजल्ट है उसके लिए आयोग सचिव साहब से बात हो सके और उसमें जो भी कुछ त्रुटियाँ हैं जो उस पर भी कुछ जो भी डाउट्स हैं उसमें सभी वहाँ पर डाउट्स क्लियर हो जाएगा और आप लोगों का जो रिजल्ट है इसी मंथ आप लोगों को जारी हो जाए। वहाँ आप लोगों से वहाँ से भीड़ इकट्ठा करना है, जितना ज़्यादा आप वहाँ पे संख्या बल दिखाएंगे आप लोगों को क्या होगा उससे संख्या बल दिखाने से, क्योंकि आयोग के ऊपर भी दबाव पड़ेगा, सरकार के ऊपर भी दबाव पड़ेगा और जो वहाँ पे जो मीडिया कर्मी जितने भी रहेंगे जितने भी अखबार में आएंगे क्या होगा उससे क्या होगा आयोग के ऊपर भी दबाव पड़ेगा, वो चीज़ तो आपकी वैकेंसी पर भी काम चल रहा है वो चीज़ पर, और ताकि आप लोगों का जो रिजल्ट है इसी मंथ आप लोगों के आयोग की वेबसाइट पर देखने को मिल जाए। आप सभी से रिक्वेस्ट है वहाँ पे संख्या बल पे इकट्ठा करिए और ताकि आप लोगों का जो रिजल्ट है जल्द आयोग के वेबसाइट पे देखने को मिल जाए। यही कुछ अपडेट था, थैंक यू, जय हिंद।